हेलो गाइस गाइस, आज मैं करा रहा हूँ थ्योरम 6.6 ट्रायंगल्स की। गाइस थ्योरम 6.6 क्या कह रही है हमारी? थ्योरम 6.6 कह रही है, देखो, कह रही है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनकी जो रेशियो होती है ना इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पोंडिंग साइड्स। ठीक है, ये मैं समझाता हूँ क्या कह रही है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो मैंने ऐसे देखो, ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। कह रहा है कि इनकी जो रेशियो है ना, जैसे ये ट्रायंगल है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी ई एफ, ठीक है। कह रहा है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो इनकी रेशियो है ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई ट्रायंगल डी ई एफ। कह रहा है कि इनकी रेशियो पता क्या होगी? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वेयर। जैसे हम क्या लिखते थे, जब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होता था तो क्या होता था? ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। कह रहे कि यही चीज इसके साथ होगी, पर इसमें क्या हो जाएगा, अगर हमारा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो इनकी जो रेशियो होगी ना, इनकी रेशियो वो क्या होगी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ना, जैसे ए बी बाई डी ई है, तो ये ए बी बाई डी ई का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे ही बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर, बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर। कह रहा है कि ये सारी इसके इक्वल होती है, जब इनकी रेशियो हो जाए ना ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई ट्रायंगल डी ई एफ, तो ये ए बी बाई डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर, ठीक है, ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर इसके रेशियो के सिमिलर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी बाई ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, ठीक है, मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये अलग है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी ना, तो मैंने ये इसके ऐसे लिख दिया, ये ऐसे होगी। देखो ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाय डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर, ठीक है, ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर, ठीक है, ये कह रहा है, ये थ्योरम ये कह रहा है। अभी हमें थ्योरम तो बता दिया, हमें प्रूव करना है। अब हमें प्रूव प्रूव में हमें क्या दिया हुआ है? सिर्फ हमें दिया हुआ है दो ट्रायंगल्स, ठीक है, दो ट्रायंगल दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि वो दो सिमिलर हैं, बस लिखा हुआ ना कुछ थ्योरम में हमें लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये मतलब जैसे देखो इनका एरिया है, ये जो है ना, ये एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, ये एरिया था। तो ये देखो ये क्या कह रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। कह रहा है कि अब देखो इनका, इसका एरिया डिवाइड बाय इसका एरिया, मुझे इन इन तीनों के इक्वल लाना है, ठीक है, इन तीनों के स्क्वायर के इक्वल लाना है। तो मैंने सोचा कैसे लाऊं, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इन, मुझे गिवन क्या दिया हुआ है कि गिवन है हमारा द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब हमारा ट्रायंगल्स गिवन है सिमिलर है। गिवन क्या है हमारा? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, बस हमें ये गिवन है, ठीक है। तो अब हमें आगे प्रूव करना है कि ये चीजें इक्वल कैसे लाऊं मैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना, इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, ऐसे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, ऐसे इधर से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, इसको नाम दे दूंगा मैं एम, इसको दे दूंगा मैं एन, ठीक है। तो मैंने अभी इसकी बस वो खींची है, परपेंडिकुलर खींचा है इस पे। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, मुझे सबसे पहले मुझे यहाँ पे एरिया लाना था ना, ये एरिया है यहाँ पे एरिया, तो मैंने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालता हूँ सबसे पहले, ऊपर ट्रायंगल एबीसी का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, यही होता है। तो यहाँ पे बेस क्या है, बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में देखो ना बेस क्या है हमारा, बी सी, बेस की जगह 1/2 की जगह 1/2, बेस की जगह बी सी होगा, बी सी इंटू में हाइट क्या है, हाइट हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है, हाइट होगी हमारी ए एम, ठीक है। ऐसे ही हमारा डी ई एफ का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू में बेस क्या है, ई एफ, इंटू में डी एन होगी हमारी हाइट, ठीक है। अब देखो अब मुझे ये इसका एरिया निकलना है, इसका एरिया निकल गया, अभी दोनों डिवाइड में, तो मैं इनको डिवाइड में लिख देता हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है, मैंने इनको बस डिवाइड में लिख दिया। तो डिवाइड में इनको लिखूंगा तो इसके राइट हैंड साइड वाले पार्ट को भी लिखना पड़ेगा, मतलब 1/2 बी सी इंटू में ए एम अपॉन में 1/2 इंटू में ई एफ इंटू में डी एन, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 1/2 से तो 1/2 खत्म हो गया, तो हमारा क्या आ गया, बी सी इंटू में ए एम अपॉन में ई एफ इंटू में डी एन। ठीक है, हमारा बस अभी इतना आ गया। तो मैंने सोचा अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब इसको ना मैं यहाँ पे इसको 1 डाल के छोड़ दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब मैं इन इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर लेके आऊंगा, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर लेके आऊंगा। ये आपको बाद में पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बस थोड़ा ये सीखो, उसके बाद मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई डी ये ई है और ये एन। ठीक है, डी ई एन। ठीक है, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे ले आऊंगा मैं। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो हमारा एक तो ये आ गया, इसको मैंने 1 कह दिया, इसको मैंने 2 कह दिया। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब मेरा एक और एंगल किसी तरह इक्वल आ जाए, मैंने कहा एक और एंगल तो मेरा इक्वल आ गया। देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिया हुआ ट्रायंगल डी ई एफ के, तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, ये वाला ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर दिए होते हैं तो उनके एंगल सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसका रीजन क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमारा 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन हो गया बाय ए ए प्रॉपर्टी, या ए ए लिख लो या ट्रिपल ए लिख लो, ये की बात होती है। ठीक है, ट्रायंगल डी ई एन मेरे, देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए। तो मैंने सोचा जो ये देखो अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हमारे, ठीक है, ये और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो मैंने सोचा कि इसी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होंगी, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो मैं लिख दूंगा ए बी बाय डी ई, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी एम बाय ई एन, बी एम बाय ई एन इज इक्वल टू ए एम बाय डी एन। ठीक है, ए एम बाय डी एन ये हमारी इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो इसको मैं इस ए बी बाय डी ई, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू मेरा ए एम बाय डी एन आ गया, मतलब देखो ये तो ये तीनों इक्वल आ गए हमारे। ठीक है, अब इससे देखो मैंने ये इससे सोचा कि देखो ए एम बाय डी एन हमारा इधर है, ए एम बाय डी एन मेरा इधर आ गया, मतलब ए एम बाय डी एन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ये वाला पार्ट, ए बी बाय डी ई, ए एम बाय डी एन की जगह, क्योंकि ए एम बाय डी एन इसके इक्वल है ए बी बाय डी ई के, और इसके भी इक्वल है। तो मैं बताऊंगा आपको कि मैंने इसके इक्वल क्यों लिखा। देखो ए सबसे पहले देखो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, ये हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है इनकी। तो अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इनकी इक्वल हुई, अब ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं जो बताना चाहूंगा ये चीज ध्यान रखना। देखो ए एम बाय डी एन मेरा ए बी बाय डी ई के इक्वल आ गया, ए एम बाय डी एन, तो मैं फ्रॉम इन फर्स्ट मैं इधर इसके बाद मैं ये लिख दूंगा, सबसे पहले ए डी ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए एम बाय डी एन, ये लिख दूंगा मैं, इसको बीच में से हटा दूंगा अभी। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको सारा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है ना, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए एम बाय डी एन। ठीक है, ये आ गया, तो अब देखो ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए एम बाय डी एन आ गया मेरा, तो ए एम बाय डी एन की जगह मैं बस ए बी बाय डी ई लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर पुट सेकेंड इन फर्स्ट, पुट सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट, तो ए एम बाय डी एन की जगह बस मैं ए बी बाय डी ई लिख रहा हूँ इसके में, बी सी बाय ई एफ इंटू में ए एम बाय डी एन था, ए एम बाय डी एन की जगह ए बी बाय डी ई। ठीक है, ए बी बाय डी ई आ गया हमारा। अब देखो मैंने ये इसलिए लिखा था क्योंकि देखो मेरा बी सी बाय ई एफ ए बी बाय डी ई के इक्वल नहीं है, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ है, देखो ये भी तो यही है, ए बी बाय डी ई और बी सी बाय ई एफ, तो मैं इसको बी सी बाय ई एफ की जगह अब ए बी बाय डी ई लिख दूंगा, बी सी बाय, देखो ना ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ है,
ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई एफ, तो मैं बी सी बाई एफ की जगह ए बी बाई डी ई लिख दूंगा क्योंकि दोनों तो इक्वल है। ए बी बाई डी ई इंटू में ए बी बाई डी ई, ठीक है, मैंने बी सी बाई एफ की जगह ए बी बाई डी ई लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू में एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो ए बी बाई डी ई का ए बी बाई डी इंटू ए बी बाई डी ई क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर। तो मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट तो आ गया, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने बताता हूँ मैंने किया क्यों था, मैंने सोचा कि देखो बी एम और ई एन का मेरा कोई काम है ही नहीं, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, ये देखो मैंने मैंने कहा कि ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए एम बाई डी एन आ रहा मेरा, तो मैंने ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई डालूंगा मैं बी सी और ई एफ की जगह, तो मैं लिख दूंगा कि देखो जब मैंने देखो बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ की जगह मैंने ये कहा गया, बी सी बाई ई एफ की जगह देखो मैंने बी सी बाई ई एफ की जगह ए बी बाई डी ई डाला, तभी तो स्क्वायर बना है, मुझे स्क्वायर तो बनाना था, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है ए एम बाई डी एन की जगह मैंने ए बी बाई डी ई लिखा, ठीक है, ए एम बाई डी एन की जगह ए बी बाई डी ई लिखा मैंने सबसे पहले, फिर मेरे को पता था कि ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका इंटू क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर आ गया। अब मेरा ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया फर्स्ट वाले पार्ट की जगह, अब बाकी पार्ट जो होंगे ना वो हम ऐसे लिखेंगे, सिमिलरली बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर, सिमिलरली ये सॉरी सिमिलरली ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय ट्रायंगल डीईएफ, यहाँ पे एरिया होगा वहाँ, ठीक है ना, इज इक्वल टू बीसी बाय ईएफ का स्क्वायर, ईएफ का स्क्वायर, और फिर दोबारा लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू, अब ये लिखेंगे एसी बाय डीएफ का स्क्वायर। हमने एक एक बार प्रूव कर दिया, ये एक बार ऐसे प्रूव कर दिया कि ए बी बाई डी ई का स्क्वायर है, अब 3 बार थोड़ा करके दिखाएंगे, बस एक बार हमने कर दिया तो बाकी 2 बार तो हम सिमिलरली लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ आ गई, थैंक यू।